नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीडी मीडिया न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक चौधरी। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर एनटीपीसी पावर प्लांट में उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर गया एक युवक अचानक लापता हो गया। एनटीपीसी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में प्लांट के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही घंटों में लापता मजदूर के मोबाइल और बैग की बरामदगी कर ली गई है, लेकिन संविदा कर्मी ऑपरेटर अजीत दुबे निवासी खजूरी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बताया जा रहा है कि पंप ऑपरेटर अजीत दुबे शुक्रवार रात ही ड्यूटी के लिए प्लांट गया था। हाजिरी भी लगी थी, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल रहा था, अचानक कहां गायब हो गया। सूचना पर विंध्यनगर टीआई राघवेंद्र द्विवेदी और सीआईएसएफ के जवानों ने प्लांट में 8 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, उसके बाद भी कोई सुराग नहीं हाथ लगा। नाराज परिजनों ने विंध्यनगर थाने एनटीपीसी आवासीय परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। टीआई राघवेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। कुछ अपडेट आएगा, 2-3 बजने वाले हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं है किसी के भी द्वारा। क्या सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है, जांच से क्या हो रहा है, कोई अपडेट परिवार को नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब कि प्रबंधन और पुलिस प्रशासन सबकी यह लिपापोती कुछ न कुछ इसके अंदर है, जो कि लिपापोती किया जा रहा है एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा। अभी तक कोई खबर नहीं है। अब हम लोगों को लग रहा है कि अब कड़े कदम अब हम लोगों को उठाने पड़ेंगे, इसलिए पुलिस प्रशासन आए और क्या अपडेट है वो हमें सूचित करें।